वर्ष 2024 में राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महान स्वप्न दृष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकथित किए गए उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है। लंबे अरसे से चले आ रहे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने की दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार सम्मानी उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रख रही है। महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषिक लोगों के लाभ के लिए शैक्षिक, चिकित्सक और विभिन्न अन्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन कर रही है। महाराष्ट्र देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है। देश की कुल डीजीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 14.2% है और भारत के कुल निर्यात में 17.3% हिस्सेदारी के साथ यह निर्यात में भी अग्रणी रहा है। मेरी सरकार ने सन 2027 से 28 तक देश के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप राज्य के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष में प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत 61,576 करोड़ रुपयों के निवेश मूल्य की 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में 53,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। देश में सीधे विदेशी निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र सबसे अग्रणी रहा है। राज्य में 65,500 करोड़ रुपए का सीधे विदेशी निवेश हुआ है। यह निवेश देश के कुल सीधे विदेशी निवेश का 48.78% है। मेरी सरकार ने जनवरी 2024 में दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में 3,53,000 करोड़ रुपयों की राशि से अधिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राज्य में 2,00,000 नौकरियां सृजित होगी। मेरी सरकार ने राज्य की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य की पहली महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 को घोषित किया है। नवी मुंबई में मापे औद्योगिक क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 1,00,000 रोजगार सृजित होंगे। मेरी सरकार ने नांदगांवपेट अमरावती में पीएम मित्र पार्क के लिए 1,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इससे 2,200 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। मेरी सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए रायगढ़ जिले में के दीघी में 1,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की रखी है। मेरी सरकार ने एकीकृत और टिकाऊ उद्योग वस्त्र नीति 2023 से 28 घोषित की है, जिससे 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 5,00,000 नौकरियां सृजित होगी। उक्त नीति में सौर ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने राज्य को हरित हाइड्रोजन और उसके तत्सम पदार्थ विनिर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति 2023 प्रस्तुत की है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और 6 निजी विकासकों के साथ 2,76,000 करोड़ रुपए के निवेश की नवीकरण ऊर्जा परियोजना से संबंधित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 64,000 नौकरियां का सृजन होगा। मेरी सरकार ने ग्रामीण युवाओं में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में
511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र स्थापित किए हैं। मेरी सरकार ने गोंदिया और गढ़चिरौली जिले के नक्सली क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बनाने और रोजगार देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही गढ़चिरौली में 2 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस वर्ष 1,53,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों जिनके भर्ती विज्ञापन या अधिसूचना 1 नवंबर 2005 के पूर्व जारी हुई थी, परंतु 1 नवंबर 2005 को या उसके पश्चात वे सरकारी सेवाओं में शामिल हुए हैं, उन्हें केंद्र सरकार के आधार पर पुरानी निवृत्त पेंशन योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने वर्ष 2023-24 में संपूर्ण राज्य में 424 रोजगार मेलों का आयोजन किया था, जिसमें 24,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया था। दिसंबर 2023 में नागपुर में एक राज्य स्तरीय महारोजगार मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 11,000 से अधिक उम्मीदवारों को विभिन्न नौकरियों के लिए चयनित किया गया था। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के संकेत स्थल पर 21,00,000 से अधिक सन्निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया है। लगभग 7,11,000 सन्निर्माण श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 941 करोड़ रुपए के लाभ दिए हैं। मेरी सरकार ने राज्य के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र राज्य असंगठित श्रमिक कल्याण निगम और विभिन्न उद्योगों के साथ जुड़े 39 आभासी बोर्डों की स्थापना को मान्यता दी है। मेरी सरकार ने ठाणे शहर में सीसीटीवी स्थापना करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने अमरावती और नांदेड़ शहरों में भी सीसीटीवी परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, लोक स्वास्थ्य, कृषि, यातायात नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निगरानी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मान्यता दी है। मेरी सरकार जिला अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संगठनों में भी सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सम्मिलित करते हुए राज्य के सभी राशन कार्ड धारक और अधिवास प्रमाण पत्र धारक परिवारों को शामिल करने के लिए उस क्षेत्र का विस्तार किया है। वार्षिक बीमा सुरक्षा प्रति परिवार 1,50,000 रुपयों से बढ़कर प्रति परिवार 5,00,000 रुपये की गई है। मेरी सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपका दवाखाना कार्यक्रम शुरू किया है। मुंबई में 30 बहुविध चिकित्सालयों सहित 220 चिकित्सा केंद्र परिचालन में है और 5 बहुविधिक चिकित्सालयों और निदान केंद्रों के साथ 45 चिकित्सा केंद्र बनाने का नियोजित है। यह सुविधाएं निशुल्क चिकित्सा जांच, दवाएं, रक्त परीक्षण और विशेषज्ञ परामर्श देती है, जिससे मुंबई में रहने वाले 35,00,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है। राज्य के शेष हिस्सों में हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपका दवाखाना के तहत 15,00,000 से अधिक रुग्णों को चिकित्सा सहायता देने वाले 347 क्लिनिक खोले गए हैं। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के 61,56,000 परिवार को जोड़ा है। सरकार ने सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए परिश्रमिक 3,000 रुपयों से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया है और स्वयं सहायता समूह के लिए परिक्रामी निधि 15,000 रुपये से 30,000 रुपये तक बढ़ाई है।
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पदोन के तहत 90,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 2,600 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का सन्निर्माण किया गया है और 28,300 गांवों को खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित किया है। बाला साहब स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत बनड़ी योजना के तहत मेरी सरकार ने 2000 तक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों के सन्निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए का पुनरीक्षित अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अन्य राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय गृह निर्माण दिन पर महा आवास अभियान 2023-24 शुरू किया है। मेरी सरकार राज्य के 409 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है और 15 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस उपक्रम के लिए 2,909 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र निवारा निधि से 2,873 करोड़ रुपए और राज्य के बजट प्रावधान से 782 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेरी सरकार ने राज्य का सबसे लंबा समुद्री मार्ग अटल बिहारी वाजपेयी शिवंडी नवा सेवा अटल सेतु का काम पूरा कर लिया है और इसे 13 जनवरी 2024 से जनता के लिए खुला किया गया है। मेरी सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का विस्तार कर रही है जिसमें सिंधखंड राजा से सेव गांव तक 4 लेन राग निर्माण भंडारा गढ़ सिरोली नागपुर चंद्रपुर और नागपुर गोंदिया के साथ साथ जालना से नादेड़ तेज गति राजमार्ग को जोड़ने वाले सन्निर्माण का प्रस्ताव है। मेरी सरकार ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से 451 किलोमीटर सड़क के विकास का काम पूरा किया है। नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत 2,470 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 731 पुलों का निर्माण पूरा किया है। हाईब्रिड इम्यूनिटी योजना के तहत 6,700 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो चुका है। मेरी सरकार ने राज्य सरकार के हिस्से के रूप में जालना जलगांव इस नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए 3,552 करोड़ रुपए और नादेड़ बिदर नई रेलवे परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने 5,700 गांव में जल युक्त सिवार अभियान 2.0 या दूसरा चरण शुरू किया है। मेरी सरकार ने राज्य के अति दोहित किए गए तीव्र और अर्ध तीव्र जल संकट ग्रस्त जल संभारण क्षेत्रों के लिए के 13 जिलों के 43 तालुकाओं के 1,442 गांव में अटल भूजल योजना कार्यान्वित की है। जन सहभागिता से सभी 1,133 सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की गई है और उनका कार्यान्वयन प्रगति पथ पर है। मेरी सरकार ने किसानों की जलवायु अनुकूलता और लाभ क्षमता बढ़ाने के लिए 21 जिलों में 6,000 करोड़ रुपए लागत की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पडोम को लागू करने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 27 परियोजनाओं और बली राजा जल संजीवनी योजना के तहत 91 परियोजनाओं को मान्यता दी है। वर्तमान में दोनों योजनाओं के जरिए 5,21,000 हेक्टेयर की संयुक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त हो चुकी है। मेरी सरकार ने 13 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने वाले 80,000 करोड़ रुपए लागत की 68 परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों और
अन्य नवीकरण ऊर्जा हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ मिलकर पंप भंडारण परियोजना को विकसित करने के लिए नीति तैयार की है। मेरी सरकार ने राज्य में सोलर पंपों की स्थापना बिठाने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली आपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 शुरू की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2025 तक लगभग 7000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा निर्माण करके कम से कम 30% कृषि वाहनियों का सौर ऊर्जाकरण करना है। मेरी सरकार ने नागपुर, काटोल, कर्मेश्वर, मोसी और संग्रामपुर में आधुनिक संतरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने पीक बीमा योजना के तहत किसानों को केवल 1 रुपये के भुगतान द्वारा फसल बीमा दिया है। सन 2023 में खरीफ मौसम के दौरान 1.71 करोड़ किसानों ने इस योजना में भाग लिया और 113 लाख हेक्टर से अधिक कृषि भूमि को बीमा सुरक्षा मिली है। सन 2023 के खरीफ मौसम के लिए किसान हिस्से की 1,550 करोड़ रुपए की बीमा किस्त सरकार द्वारा चुकाई गई है। सन 2023 के खरीफ मौसम में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संकट में होने वाले 48 लाख से अधिक किसानों को 2,200 करोड़ रुपए से अधिक क्षतिपूर्ति दी गई है। सन 2023 से 24 के रबी फसल में 71 लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया और 49 लाख हेक्टर से अधिक क्षेत्र को बीमा सुरक्षा मिली है। मेरी सरकार ने किसानों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत राज्य में पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपयों की कुल राशि दी जाएगी। मेरी सरकार जिन किसानों ने फसल ऋण लिया है और उस ऋण की पूर्ण अदायगी की है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा ज्योति राव फुले सेतकारी कर्ज मुक्ति योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत 14 लाख से अधिक आधार वैधिकृत ऋण खातों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। मेरी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसल हानि हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे निधि जमा करने के लिए मार्च 2023 से प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण प्रणाली कार्यान्वित की है। आधार क्रमांक के जरिए पहचान करने के बाद 3,825 करोड़ रुपए से अधिक राशि 44,82,000 किसानों के बैंक खाते में निर्बाध रूप से जमा की गई है। मेरी सरकार ने किमान आधारभूत कीमत योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टर 20,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि अधिकतम 2 हेक्टर की सीमा तक देने की घोषणा की है। मेरी सरकार ने राज्य के अकृषक सहकारी क्रेडिट संस्थाओं, साथ ही साथ वेतन कर्मचारी सहकारी क्रेडिट संस्थाओं में 1 लाख रुपयों तक की सीमा को निक्षेप को संरक्षण देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के लगभग 3 करोड़ निक्षेपकों को लाभ मिलेगा। मेरी सरकार पाठ्यंतर गतिविधियों के जरिए छात्रों के कला पहलू और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी विद्यालयों में मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान कार्यान्वित कर रही है। मेरी सरकार ने शैक्षिक वर्ष 2023-24 से एक राज्य एक गणवेश योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के तहत सरकारी और स्थानीय निकाय के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे 1 से 8 कक्षा तक के सभी छात्रों को 2 पोशाक, जूते और मोजे का जोड़ा निशुल्क दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने थाने, पालघर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, बुल्ढाना, गढ़चिरौली,
वासिम, जालना और हिंगोली में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को मान्यता दी है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय नागपुर के तहत सावली भीर तहसील राहता जिला अहमदनगर में नई पशु चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने के लिए अनुमोदन दिया है। महाराष्ट्र के महान खिलाड़ी और भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान स्वर्गीय श्री कसाबा जाधव की विरासत को सम्मान करने के लिए मेरी सरकार ने 15 जनवरी को उनका जन्म दिवस हर साल राज्य क्रीड़ा दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चीन के हांगझोऊ में 19वें एशियाई खेलों के दौरान महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए कुल 26 पदक प्राप्त किए, जिसमें 15 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। उसी स्थान में हुए 19वें पैरा एशियाई खेलों में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए 11 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। इसके अलावा गोवा में राष्ट्रीय खेल 2023 में महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित कुल 228 पदकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। मेरी सरकार ने नासिक में 12 से 16 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। कुनबी के अभिलेख प्रविष्टियों का पता लगाने और मराठा समुदाय में पात्र व्यक्तियों को मराठा कुनबी मराठा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति की गठित की गई थी और तदनुसार मराठा कुनबी मराठा जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच करने का काम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपा गया है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। मेरी सरकार ने मराठा कुनबी मराठा और मराठा कुनबी समुदायों के 75 मेघावी छात्रों के लिए विदेश में मास्टर उपाधि स्नातकोत्तर डिप्लोमा और पीएचडी करने के लिए महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ शिष्यवृत्ति योजना शुरू की है। मेरी सरकार ने सारथी इंस्टीट्यूट के नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, नवी मुंबई, लातूर, नागपुर, पुणे विभागीय और उप केंद्र कार्यालयों के सन्निर्माण के लिए प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने अन्ना साहब पाटिल आर्थिक मागास विकास महामंडल के जरिए 17,500 से अधिक मराठा समुदाय के लाभार्थियों को उनके कारोबार ऋण के लिए ब्याज प्रति विधाय के रूप में 232 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। मेरी सरकार ने ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग, निरधिसूचित जनजाति, खानाबदोश जनजाति और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के छात्रों जिन्हें सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिला है उनको भोजन, आवास और अन्य शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए भत्ते सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए विमुक्त जाति के, खानाबदोश जात और जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के मेधावी छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्तियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 75 कर दी है। मेरी सरकार ने गुरव, लिंगायत, नाभिक, रामोशी व वाडार समुदायों के उत्थान के लिए निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक निगम को 50 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी मंजूर की गई है। मेरी सरकार अन्य पिछड़े वर्गों, निरधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के लिए अगले 3 वर्षों में
10 लाख आवासों का सन्निर्माण करने के लिए राज्य में मोदी आवास गृह निर्माण योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरी सरकार ने दिव्यांगजनों की उन्नति के लिए दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगचाधारी प्रभावशाली अभियान शुरू किया है। इस अभियान के 28 जिलों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 85,000 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। मेरी सरकार ने विभिन्न गृह निर्माण संस्थाओं को सरकारी भूमि देते समय दिव्यांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% किया है। मेरी सरकार ने मानसिक बीमारी से मुक्त एवं उन्हें अब इलाज की आवश्यकता नहीं है या बेघर है या उसके परिवार द्वारा अस्वीकृत व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों के जरिए ठाणे, रत्नागिरी, पुणे और नागपुर में पुनर्वास गृह स्थापित करने की योजना शुरू की है। मेरी सरकार ने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और श्रावण बाल सेवा राज्य सेवा निवृत्त योजना के तहत वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों जैसे 45 लाख लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये तक की है। मेरी सरकार इस योजना के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का व्यय उपगत कर रही है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के तहत 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को उम्र के कारण उद्भूत शारीरिक विकलांगता और दुर्बलता का निराकरण करने के लिए उन्हें 3,000 रूपये का एक समय एक मुफ्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी है। इस योजना का आज तक 26 करोड़ से अधिक समयों पर वरिष्ठ नागरिकों को लाभ लिया है। महिला सम्मान योजना के तहत मेरी सरकार महिलाओं को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के बसों में यात्रा करते समय टिकट दरों में 50% की छूट दे रही है। इस योजना का लाभ आज तक 51 करोड़ से अधिक समयों पर महिलाओं ने लिया है और इसके लिए 1,461 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त रकम दी गई है। मेरी सरकार ने पीले और केसरी राशन कार्ड धारक परिवारों में 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जन्मी लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए नेक लड़की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक विभिन्न चरणों में 1,01,000 रूपए दिए जाएंगे। मेरी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महिला केंद्रित पर्यटन धोरण प्रस्तुत किया है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के तहत महिला और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित लंबित प्रकरणों को निपटारा करने के लिए 148 विशेष दल दगति न्यायालय में 414 नियमित पदों का सृजन करने और 690 पदों को बाहरी यंत्र द्वारा भरने की मान्यता दी है। मेरी सरकार ने कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लाभार्थियों को पोषण तत्व गुण संवर्धित चावल वितरित करने का निर्णय लिया है। अब तक सभी जिलों में 12 लाख मैट्रिक टन से अधिक पोषण तत्व गुण संवर्धित चावल वितरित किया गया है। मेरी सरकार ने गुड़ी पड़वा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, गौरी गणपति, दिवाली एवं श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसे उत्सवों के अवसर पर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को और किसान आत्महत्या प्रवण 14 जिलों में गरीबी रेखा के ऊपर के किसानों को अन्नदाता सीधा नामक विशेष खाद किट वितरित किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में शासन अपल्यादारी यह कल्याणकारी उपक्रम शुरू किया है, जिससे 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने मराठवाड़ा के संपूर्ण विकास के लिए
46,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विकास कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के ऐतिहासिक बलिदान और विजय की स्मृति पर लिखित करते हुए छत्रपति संभाजी नगर में एक भव्य स्मारक बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्य अभिषेक वर्ष के उपलक्ष में 2 जून 2023 से शिव राज्य अभिषेक महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सरकार ने अंध व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि में शिव चरित्र का सृजन शुरू किया है। बागनखों की भारत वापसी लाने के पुरातत्व और वस्तु संग्रहालय निर्देशालय मुंबई और विक्टोरिया एवं अल्बर्ट संग्रहालय लंदन के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सतारा, कोल्हापुर, नागपुर और मुंबई, इन 4 शहरों में प्रस्तावित शिव सहस्त्र शौर्य गाथा प्रदर्शनी में बाघ नखों को प्रदर्शित करने का मेरी सरकार का मानस है। मेरी सरकार ने बड़े ग्रामीण तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पुण्य स्ट्रोक अहिल्या देवी होलकर ग्रामीण तीर्थ यात्रा विकास योजना अवर्ग के तहत निधि की सीमा 2 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपयों से 25 करोड़ रुपए तक की है। साथ ही मेरी सरकार ने छोटे ग्रामीण तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पुण्य स्लोक अहिल्या देवी होलकर ग्रामीण यात्रा स्थल योजना ब वर्ग के तहत निधि सीमा भी 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की है। मेरी सरकार ने मराठी भाषा साहित्य और संस्कृति का संवर्धन परीक्षण तथा सक्षम करने और उच्चतर शिक्षा के में मराठी भाषा को उन्नति के लिए अमरावती जिले के रिद्धपुर में मराठी भाषा विद्यापीठ की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ अधिनियम 2023 अधिनियमित किया है। मेरी सरकार ने उच्चतम न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालयों के न्याय निर्णयों का मराठी भाषा में अनुवाद करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन किया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की सहायता से मराठी में अनुवाद प्रतियों की जांच करने और प्रमाणित करने के लिए बाहरी यंत्रणा के जरिए 300 मनुष्य शक्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मेरी सरकार ने अन्य राज्यों में मराठी भाषी लोगों के लिए मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए भाषाई गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए महाराष्ट्र परिचय केंद्र नई दिल्ली और गोवा को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने चंडी रोड मुंबई के मराठी भाषा भवन के मापचित्र को पुनरीक्षित किया है और तदनुसार लगभग 250 करोड़ रुपए के सन्निर्माण लागत से भवन का निर्माण होगा। सम्मानित सदस्यों, मुझे विश्वास है कि इस विशेष सत्र में आप सम्मिलित होंगे और महाराष्ट्र को अधिक समृद्ध की ओर ले जाने के लिए इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार विमर्श को प्रदर्शित करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।